सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेज मेवाड़ में। आज अमल कर रहे हैं प्रखर वर्कबुक इंग्लिश कक्षा 8 2023-24 2023-24 की अंग्रेजी की नई वर्कबुक कक्षा 8 की। इसमें हल करेंगे हम वर्कशीट 56, 57, 58, 59, 60। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। Your teacher will dictate some words and sentence related to election in your village, district. Listen carefully and write in given space. चुनाव में क्या क्या चाहिए? Election in my village and district, voter list, parties, voter slip, indictable ink, कैंडिडेट लिस्ट, पोलिंग बूथ, मैन वुमेन, पोलिंग ऑफिसर और पुलिस मैन, ये सब चुनाव के अंदर चाहिए। सेंटेंस अबाउट इलेक्शन इन योर विलेज डिस्ट्रिक्ट। लास्ट ईयर द पंचायत इलेक्शन वर हेल्ड इन माई विलेज। ऑन द इलेक्शन डे there was favorites activities all around. At the polling booth there were long queues of voters. Cars and taxi were used to bring aged and handicapped voter. I also went to cast my vote. I was given a slip with my name on it. Inside the booth, my name and identity were checked by an official. The other game gave me the ballot paper. I walked behind the carrying and cast my vote. An inscrutable in mark was put on my left or finger. ये था वर्कशीट 56, वर्कशीट 57। लुक एट द पिक्चर एंड बिलो फ्रॉम द क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द कीवर्ड्स गिवन एज हिंट्स। आस्क दिस क्वेश्चन टू यूर फ्रेंड एंड राइट दियर रेस्पॉन्स। चित्र को देखें और नीचे प्रश्नों के उत्तर दें। ये रेलवे स्टेशन का सीन है लक्ष्मणगढ़ का। हिंट, हाउ मेनी वार्ड हु वेयर। क्वेश्चन नंबर एक, हु इज फिलिंग वाटर इन बॉटल। आंसर, ए ह्यूमन इज फिलिंग वाटर इन ए बॉटल। क्वेश्चन नंबर दो, हु इज द स्वीप इन द प्लेटफॉर्म। तो आंसर है स्वीपर इज द स्वीपिंग इन प्लेटफॉर्म। स्वीपर यहाँ सफाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर तीन, हु इज रीडिंग न्यूज़पेपर। अखबार कौन पढ़ रहा है? तो ए मैन इज रीडिंग न्यूज़पेपर। एक आदमी अखबार पढ़ रहा है यहाँ बैठे बैठे कुर्सी पर। हु इज द कैरिंग द लगेज ऑफ वुमन। द पोर्टर इज द कैरिंग लगेज ऑफ ए वुमन। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेशन। The name of station is a लक्ष्मणगढ़। ये था वर्कशीट 57, वर्कशीट 58। Make a pair with your friends and discuss about your school's annual function day. Thought the given questions, then write the answer in the given space. When do you celebrate annual function in your school? We celebrate annual function in March in our school. क्वेश्चन नंबर दो, हाउ डू यू डेकोर योर स्कूल फॉर द सेलिब्रेशन। तो वी डेकोर द स्कूल विद द बैलून्स एंड फेस्टून एंड मेक रंगोली। वी क्लीन द स्कूल एंड विल वॉश इट। व्हाट काइंड्स इवेंट्स आर हेल्ड दैट डे। कल्चरल प्रोग्राम्स, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन,
एंड एनुअल रिपोर्ट रीडिंग इट्स इवेंट्स आर हेल्ड ऑन दैट डे. डू यू पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स? इफ यस देन लिस्ट देम. यस आई पार्टिसिपेट इन कल्चरल प्रोग्राम सच एज द फोल्क डांस सिंगिंग एंड ड्रामा. क्वेश्चन नंबर 5. What kind food is being cooked in the MDM that day? Dal bati and churma is cooked in the MDM on that day. Question number 6. How do the community participate in the annual function day? They come and appreciate the student and also given gift that best programs. Ye tha worksheet 58. वर्कशीट 59. चेंज द बिलो गिवन वर्ब्स दियर प्रेजेंट्स कंटिन्यू फ्रॉम. डू का डूइंग, शर्ट का शूटिंग, क्लीन का क्लीनिंग, राइज का राइजिंग, स्टेयर का स्टेयरिंग, गो का गोइंग, जंप का जंपिंग, राइट का राइटिंग, प्ले का प्लेइंग और डांस का डांसिंग होगा. इसी प्रकार अगले प्रश्न हैं. नाउ कंप्लीट द सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू फ्रॉम यूजिंग अबाउ गिवन वर्ब्स. आई एम डूइंग माई होमवर्क. My father is cleaning the plants in the chicken kitchen. Children are shooting in the playground. He is raising his hand. Ramesh is standing at that girls. Where are you going? I am jumping. Lata is writing a poem. He is playing hockey. Divya is dancing. ये था वर्कशीट 59. वर्कशीट 60. राइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट कंजक्शन. एग्जाम्पल, आई वॉन्ट हैव ए कॉफी, आई वॉन्ट हैव ए टी, आई वॉन्ट हैव कॉफी एंड टी. तो इसमें पहला होगा आई एम नॉट हैप्पी, आई लॉस्ट द मैच. आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई लॉस्ट द मैच. राम वॉन्ट्स प्ले फुटबॉल, इट इज रनिंग. तो राम वॉन्ट्स प्ले फुटबॉल बट इट इज रनिंग. अगला क्वेश्चन है, सीमा इज गोइंग टू मार्केट, सपना इज गोइंग टू मार्केट, बोथ सीमा एंड सपना आर गोइंग टू मार्केट. चौथा है, यू कैन ईट एप्पल, यू कैन ईट ऑरेंज. तो यू कैन ईट आइदर एप्पल और ऑरेंज. माई ब्रदर इज यंग, माई फादर इज ओल्ड. माई ब्रदर इज यंग बट माई फादर is old. I like read stories. I like read novels. I like to read both stories and novels. Question number 7. We can go to Ranchi by train. We can go to Ranchi by bus. So we can go to Ranchi either by train or by bus. Simran is not feeling well. Simran played in the rain yesterday. So Simran played in the rain yesterday. So he is not feeling well. ये था वर्कशीट 56, 57, 58, 59, 60 का हल. और भी वर्कशीट के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ हमने सभी वर्कशीट के हल करके एक साथ डाल रखे हैं, वहाँ से भी आप सभी के हल एक साथ देख सकते हैं. हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. धन्यवाद.